पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन से न्यूज इंडिया के सहयोगी पीयूष शुक्ला ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास गुजरात में कुछ बचा ही नहीं है, ना ही कांग्रेस के बड़े नेता गुजरात में सीरियस दिख रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गुजरात को लेकर अलग अलग पिटारा अलग अलग दलों ने खोल रखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गुजरात में सब्सिडी देंगे, दूध पर भी देंगे, तमाम चीज़ों पे देंगे, कोरोना में जो लोग मरे हैं उनको 3-4 लाख रुपए भी मिला क्या मुआवजा। तो सर चुनाव आ रहा है तभी पिटारा खुल रहा है। ये कांग्रेस जान रही है कि गुजरात में वो जीत नहीं सकती, इसलिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। आज तो गुजरात में कोई कांग्रेस का नेता सीरियस ले रहा है? राहुल जी चुनाव है वो तो गुजरात में नहीं है, पदयात्रा में लगे हैं, कोई गुजरात में जा नहीं रहा। इन्होंने गुजरात में, इनको मालूम है कि गुजरात में ये चुनाव नहीं जीत सकते। सर वहीं रघु शर्मा जो गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि मोरवी में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम नहीं कैंसिल किया, और मोरवी जब उनको आना हुआ तो रंग रोगन का काम शुरू हुआ अस्पताल में। देखिए रघु शर्मा इसी तरह का बयान देते हैं, उनके बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। एक एक मिनट मॉनिटर किया है प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के इस घटना को, और प्रधानमंत्री जी ने पूरी चिंता की है। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन साहब। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।